फ्रेंड्स, ये दिख रही है आपको कच्ची हल्दी, जिससे आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी सब्जी, जो कि इस हल्दी से बनती है। और देखते हैं कैसे बनती है। सोच के मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा कड़वी ना हो जाए, कुछ अजीब सा हल्दी वाला टेस्ट ना आ जाए, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। सब राजस्थानी लोग बता रहे थे कि ये बहुत अच्छी सब्जी होती है और हेल्दी है, एंटी ऑक्सीडेंट है हल्दी वैसे भी। और चलो, तो अब करना होगा मुझे इसको कद्दूकस। और अभी से मेरे हाथ इतने येलो हो गए। और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेन इंग्रेडिएंट है घी, के बिना तो ये अधूरी है डिश। और घी भी अच्छा खासा डालना है। काट लिया मैंने लहसुन, हरी मिर्च, हरा प्याज, लाल प्याज। तो नेक्स्ट प्रोसेस है दही का। दही में इसमें मसाले डाले जाते हैं, तो दही को पहले मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। इसमें ही मसाले डालने होंगे। और हल्दी नहीं डालनी है इसमें हमें, सिर्फ धनिया, मिर्ची और नमक ही मैंने डाल दिया। मसाले मिला लिए दही में। तो ये देखिए घी छोड़ दिया इसने, इसमें थोड़ा घी कम पड़ रहा था तो मैंने और उसके बाद 2 चम्मच और डाला। और आप देख सकते हैं, और अब इसमें डाल रहे हूँ सरसों का तेल। थोड़ा भून जाने के बाद ये दही वाला मसाला डाल दूंगी। जी